Hello, Vibhan. We will learn how to convert the given CFG to the PDA, means the Post Done Automata, in this lecture. So let's say कि मेरे पास एक ग्रामर है. So this grammar is S produces A S B and S produces A B. तो ये मेरे पास एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और मुझे इसको PDA में कन्वर्ट करना है. तो अगर मुझे इसको PDA में कन्वर्ट करना है तो मुझे इक्वेलेंस दिखाना पड़ेगा PDA और CFG का. तो लेट्स से कि मेरे पास एक पीडीए है और ये जो पीडीए है वो कैसे शो किया जाएगा. पीडीए विल बी शोन बाय सेट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड देन इनपुट अल्फाबेट सेट, ट्रांजिशन फंक्शन, स्टैक अल्फाबेट, जेड जीरो जो कि टॉप ऑफ स्टैक है, और स्टार्ट स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट. सो सेवन टपल से हमारा पीडीए डिफाइन होगा. जो सीएफजी है उस सीएफजी को भी मुझे इसी के इक्वेलेंस लाने के लिए मैं मान लूंगा कि ये कोई रैंडम स्टेट है. देन इनपुट अल्फाबेट सेट, ट्रांजिशन फंक्शन, और ये जो टेप अल्फाबेट सॉरी जो ये स्टैक अल्फाबेट है इसमें इसकी जगह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें स्टैक पे हो सकता है वेरिएबल या टर्मिनल. सो स्टैक पे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और टर्मिनल्स भी आ सकते हैं. स्टैक में जो कि पीडीए में जेड जीरो होता था अब यहाँ पे स्टार्ट सिंबल होगा, और क्यू जीरो स्टेट को हम क्यों मान सकते हैं कोई भी रैंडम स्टेट, और एफ फाइनल स्टेट इसमें नहीं होगा. सो दो तरह के हमारे पास पीडीए हो सकते हैं. एक ऐसा पीडीए हो सकता है जो कि फाइनल स्टेट पहुंचने पे एक्सेप्ट करे, और एक ऐसा पीडीए हो सकता है जो कि एम्प्टी हो जाए स्टैक को एक्सेप्टेंस दे. तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, जो ये वाला इसके इक्विवेलेंट होता है और ये वाला इसके इक्विवेलेंट होता है. सो अगेन रिपीट कि हम ऐसा पीडीए बना सकते हैं जिसमें कि हम फाइनल स्टेट पहुंचे तो हमारा एंड हो, या फिर एक ऐसा पीडीए हो सकता है जिसमें कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाए, तो एम्प्टी स्टेट ही एम्प्टी स्टैक. तो अगर स्टैक एम्प्टी हो जाए तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग. सो दोनों केसेस या दोनों चीजें एक जैसी ही हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पीडीए में कन्वर्जन करते हैं. और यहाँ पे जो हमारा पीडीए बनेगा सीएफजी से जब आप कन्वर्ट करेंगे सो दैट विल बी एंडिंग विद द एम्प्टी स्टैक. नाउ एक स्ट्रिंग इसका डिराइव कर लेते हैं. इसका ए एस बी एंड देन एस प्रोड्यूसेस ए बी. सो ये जो स्ट्रिंग इसकी बन रही है सो दैट इज ए बी बी बी. सो ये इसकी एक स्ट्रिंग हमने यहाँ से पिक कर ली है. सो ये जो हमारा ग्रामर है वो जो लैंग्वेज बता रहा है वो शायद ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर एन बता रहा है, वेर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एस जो है मिनिमम ए बी जो तो जरूर प्रोड्यूस करेगा ये वाले प्रोडक्शन के हिसाब से. सो दैट्स वाई दिस इज समथिंग लाइक दिस. और एक स्ट्रिंग मैंने इसकी ड्राइव कर ली है और वो स्ट्रिंग है मेरी ट्रिपल ए ट्रिपल बी. तो जो हम टेस्टिंग करेंगे वो इसी के अराउंड करेंगे. ये जो हमारा ग्रामर है ये ग्रामर सीएनएफ में जीएनएफ में नहीं है, ग्राइवेट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए अलग रूल्स होंगे. और अगर कोई ग्रामर जीएनएफ में मतलब कि ग्राइवेट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे. तो सबसे पहले हम इसमें रूल्स बना लेते हैं. तो लेट्स टेक द फर्स्ट रूल, और रूल के हिसाब से हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जो हमारा स्टैक होगा उस स्टैक में मिनिमम स्टार्ट सिंबल तो जरूर होगा, और जब भी कोई स्टार्ट सिंबल होगा तो हम कोई भी इनपुट कंसिडर नहीं करेंगे और उसको किसी प्रोडक्शन के हिसाब से रिप्लेस कर देंगे. तो सबसे पहला जो रूल है लेट्स से हमने रूल वन बनाया और प्रोडक्शन के हिसाब से बना रहे हैं कि हम किसी रैंडम स्टेट क्यू में हैं और मेरा एप्सिलॉन इनपुट आया. एक्चुअली ये इनपुट नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इनपुट है और स्टैक के टॉप पे एस है. तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम किसी स्टेट क्यू में जाएंगे रैंडम स्टेट, और एस को किसी प्रोडक्शन के हिसाब से मतलब जैसे यहाँ पे ए एस एस प्रोड्यूसर्स ए एस बी है तो एस को हम ए एस बी से रिप्लेस कर देंगे. रूल टू हम यहाँ पे बना रहे हैं और रूल टू के हिसाब से वंस अगेन अगर स्टैक के टॉप सिंबल एस है वो ऑटोमेटिकली विदाउट टेकिंग एनी इनपुट प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड से रिप्लेस हो जाएगा. सो दिस इज क्यू रैंडम स्टेट फॉलोड बाई ए बी. इसका मतलब है कि हम एस को ए बी से रिप्लेस कर देंगे जो सेकेंड वाला हमारा प्रोडक्शन है उसके राइट हैंड साइड से. ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है, ये सेकेंड प्रोडक्शन है. रूल वन में हमने देखा कि अगर स्टैक के टॉप पे एस है तो हमने फर्स्ट वाले प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड से इसको रिप्लेस कर दिया.
रूल टू के हिसाब से अगर स्टार्ट सिंबल है मेरा स्टैक के टॉप पे, उसको हम रूल नंबर टू या प्रोडक्शन नंबर टू के राइट हैंड साइड से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तीसरा ये है कि तीसरा रूल हम इससे ये बना रहे हैं कि अगर मेरे पास में कोई रैंडम स्टेट क्यू है और ए मेरा इनपुट आया है और स्टैक के टॉप पे भी ए है, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, सो मैं स्टैक के टॉप एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली ये मेरा रूल फोर बन रहा है, एंड रूल फोर सेज दैट कि स्टैक के टॉप पे अगर बी है तो इनपुट भी सिंबल अगर बी है तो इसको हम पॉप कर देंगे। सो दीज आर द फोर रूल्स अकॉर्डिंग टू विच वी विल एक्चुअली गवर्न एंड वी विल कन्वर्ट अवर सी एफ जी टू द पी डी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी डिराइव की हुई है, तो लेट्स टेक दिस दैट स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज ए एंड बी बी बी। सो सबसे पहले हम एक स्टैक ले लेते हैं और इनिशियली वो स्टैक एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी स्टैक का कोई मीनिंग नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसमें स्टार्ट सिंबल डाल देंगे, तो अगर स्टैक के टॉप पे स्टार्ट सिंबल है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो रूल वन और रूल टू दोनों मेरे पास हैं जो कि एस को रिप्लेस करेंगे या रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसमें से रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो हम पीडीए यहाँ पर बना रहे हैं सीएफजी से कन्वर्जन करके, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए होगा। इसका मतलब क्या है कि वी विल नॉट बी श्योर कि किस प्रोडक्शन से हमें स्टार्ट सिंबल को रिप्लेस करना है, सो दिस विल बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। सो सबसे पहले एप्सिलॉन इनपुट हम मान रहे हैं, बट एक्चुअली स्टार्ट के इस साइड के टॉप सिंबल पर अगर ऐसे तो कोई भी इनपुट हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब हम रूल वन अप्लाई कर रहे हैं, और रूल वन अप्लाई करने के बाद जो एस है वो ए एस बी से रिप्लेस हो जाएगा, सो एस विल बी रिप्लेस्ड बाई ए एस बी। सो दिस इज रूल वन वी हैव अप्लाइड। इसके बाद जो हमारे पास इनपुट है उस इनपुट में है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, सो ये मेरा अभी इनपुट सिंबल मेरा ए है, तो स्टैक के टॉप पे भी ए मिलता है, तो ये रूल थ्री अप्लाई करके हम स्टैक के टॉप को पॉप कर सकते हैं। सो रूल थ्री ये कहता है कि अगर ए इनपुट है और स्टैक का टॉप भी अगर ए है तो हम पॉप कर देंगे। सो रूल थ्री अप्लाई करते हैं हम, और रूल थ्री अप्लाई करने के बाद मेरा जो स्टैक आएगा वो होगा एस वी, और जो इनपुट सिंबल है उसमें से एक ए कंज्यूम हो गया है, बचा हुआ है अब डबल ए ट्रिपल बी। नाउ स्टैक के टॉप पे एस है इसलिए इनपुट कंसिडर नहीं किया जाएगा। रूल वन या रूल टू के हिसाब से स्टैक के टॉप सिंबल को हम रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। सो रूल वन के हिसाब से अगर हम चेंज करें, सो एस को हम चेंज कर रहे हैं ए एस बी के फॉर्म में। नाउ इनपुट मेरे पास है डबल ए ट्रिपल बी, इस इनपुट में से ये मेरा ए मैच होता है। अच्छा, जहां पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें रूल्स को मेंशन कर देते हैं, इस प्लेस पे जो हमने रूल अप्लाई किया है वो रूल नंबर वन अप्लाई किया है। इसके बाद ए और स्टैक का टॉप ए दोनों मैच होता है, रूल थ्री अप्लाई करके हम इसको पॉप कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने रूल थ्री अप्लाई किया और रूल थ्री के हिसाब से हमने पॉप कर दिया। स्टैक के टॉप पे एस है, इसके नीचे बीज है, और जो इनपुट है अब इनपुट में बच गया है ए और ट्रिपल बी। नाउ अब इसके बाद स्टैक के टॉप पे एस है, मतलब कि ये नॉन टर्मिनल सिंबल है। जब भी नॉन टर्मिनल सिंबल स्टैक के टॉप पे आए तो इसको हम ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड से रिमूव कर सकते हैं। लेट से हम रूल टू अप्लाई कर रहे हैं इस केस में, और रूल टू से एस को ए बी से रिप्लेस कर रहे हैं। सो ए बी और इसमें दो बीस पहले से पड़ेंगे। नाउ अब मेरे पास जो इनपुट है उसमें है ए ट्रिपल बी और स्टैक के टॉप पे भी ए है। सो क्योंकि दोनों मैच हो रहे हैं इसलिए हम रूल नंबर थ्री के हिसाब से पॉप कर सकते हैं इसको। सो वी आर हैविंग ए ट्रिपल बी रिमेनिंग, रूल थ्री हमारा अप्लाई हो गया यहाँ पे और स्टैक के टॉप ए को हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद इनपुट में मेरे पास जो बचा है दैट इज बी बी बी, और जो इनपुट है वो स्टैक के टॉप से मैच हो गया है, तो हम रूल फोर अप्लाई करके इसको पॉप कर सकते हैं। सो स्टैक के टॉप पे मेरे पास बी भी बच गया और जो इनपुट है उसमें भी बी भी बचा हुआ है, एंड देन इसके बाद स्टैक के टॉप पे भी बी है और इनपुट सिंबल भी मेरा बी है। अगेन मैं रूल फोर अप्लाई करके इस बी को
स्टैक के टॉप पे जो बी है मैं उसको पॉप कर सकता हूँ। इनपुट में मेरे पास केवल बी बचेगा, कंट्रोलर बी के पास ही है। स्टैक का टॉप और करंट सिंबल जो इनपुट है वो मैच कर गया है। अगेन मैं रूल फोर अप्लाई कर सकता हूँ और रूल फोर के हिसाब से स्टैक को पॉप कर देता हूँ। स्टैक रिमेन्स एम्प्टी और इनपुट में भी मेरे पास सब कुछ बचा नहीं है क्योंकि मेरा स्टैक एम्प्टी है एंड में। तो एम्प्टी स्टैक ये डिनोट करता है कि मेरा जो सी एफ जी है वो पीडीए में कन्वर्ट हो गया है और जो स्ट्रिंग हमने ली थी वो इसके हिसाब से एक्सेप्ट हो गई है। स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास दो चॉइसेस हों या दो से ज्यादा चॉइसेस हों तो उसमें हम रैंडमली किसी भी चॉइस को पिक कर सकते हैं प्रोडक्शन को पिक करने के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि जो स्टैक है उसमें वेरिएबल्स भी जा सकते हैं और टर्मिनल्स भी जा सकते हैं। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि एस भी जा रहा है और स्मॉल ए स्मॉल बी भी जा रहा है। इसका मतलब वेरिएबल्स और टर्मिनल्स दोनों स्टैक में जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो पीडीए एक्सेप्टेंस की बात कही है, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस की बात कही है या सीएलजी एक्सेप्टेंस की बात कही है, उसमें हमने माना है कि एम्प्टी स्टैक से हम ये डिक्लेयर करेंगे कि ये एक्सेप्टेंस हो गया है। एम्प्टी स्टैक वाला जो एक्सेप्टेंस है और फाइनल स्टेट वाला जो एक्सेप्टेंस है दोनों सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है। सेम तो नहीं होता लेकिन हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गिवन सीएफजी को पीडीए में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा सीएफजी देखेंगे जो कि ग्राइबेक नॉर्मल फॉर्म में है। उसके लिए रूल्स डिफरेंट तरीके से फॉर्म्स किए जाएंगे। तो जो सीएफजी ग्राइबेक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है उसके लिए डिफरेंट रूल्स जो कि हमने इस लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा ग्रामर लेंगे जिसमें कि सीएफजी ग्राइबेक नॉर्मल फॉर्म में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।